अच्छा, तो अमंग कॉर्डेट्स ये एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस का जिक्र करते हैं। फिशेस का हम कर चुके, अब एम्फीबियंस के अंदर। तो एम्फीबियंस के अंदर ये एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप्ड है एज कंपेयर टू द फिशेस। इसके अंदर कोई ऐसी ऑर्गन नहीं है या ग्लैंड नहीं है जो कि रूडिमेंट्री शक्ल की हो। तो एंडोक्राइन सिस्टम इन एम्फीबियंस अलॉन्ग विद रेप्टाइल्स इज वेरी मच लाइक मैनी फिशेस। फॉर एग्जाम्पल मिलेटोनिन, क्योंकि मिलेटोनिन हमने फिशेस का भी जिक्र किया और पीनियल ग्लैंड का भी जिक्र किया, ये वो ग्लैंड हैं जो कि आमतौर पे स्किन कलर हुई चेंजिंग को कंट्रोल करती हैं। सो व्हेन दिस हार्मोन प्रोड्यूस बाय वन स्पीशीज, इसमें एक और भी बड़ी स्ट्राइकिंग चीज है कि जब एक हार्मोन किसी स्पीशीज के हार्मोन जब हम इंजेक्ट करते हैं इनटू अनदर स्पीशीज, तो इट कैन इंड्यूस ड्रामेटिक कलर चेंजेस। तो ये इसमें कोई स्पेसिफिसिटी है भी नहीं भी, तो इस तरह का ये हार्मोन जो है इन एनिमल्स के अंदर, लोअर कॉर्डेट्स के अंदर है। नाउ दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इंडिकेट्स दैट सम हार्मोन्स जब इंजेक्ट करते हैं एक स्पीशीज से दूसरे, ये इस एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है, दैट सम हार्मोन्स हैव अ क्लोज केमिकल सिमिलैरिटी डिस्पाइट द डिस्टेंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द एनिमल प्रोड्यूसिंग टाइप। तो ये अगर बहुत डिस्टेंट यू समझे रिलेटिव हैं एक स्पीशीज के अंदर, तो उसके अंदर भी सिमिलर इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज द हार्मोन प्रोलैक्टिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि दिस द हार्मोन इज द इम्पॉर्टेंट हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। नाउ प्रोलैक्टिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन इन मैनी एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ सेलामेंडर्स टू वाटर। तो ये आमतौर पर तो ये सेलामेंडर्स जो हैं ये दे लव टू लिव ऑन लैंड, लेकिन जब उन्हें ब्रीड करना होता है तो दे मूव टू वाटर। ये तकरीबन तमाम एम्फीबियंस के अंदर होता है, इसीलिए अब इसको एम्फीबियन कहते हैं बिकॉज दे हैव टू मोड ऑफ लाइफ। इट ऑल्सो हेल्प्स कंट्रोल वाटर एंड साल्ट बैलेंसेस। तो क्योंकि एक्वेटिक एनिमल है खासतौर पर ब्रीडिंग में, और इसलिए वाटर बैलेंस का बॉडी के अंदर होना बहुत ही जरूरी है जो कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के कंट्रोल में है। नाउ प्रोलैक्टिन काजेज ब्रूडिंग आल्सो, ब्रूडिंग बिहेवियर इन सम फिशेस, और इट आल्सो इसेंशियल फॉर सर्टेन साल्ट वाटर फिशेस टू एंटर फ्रेश वाटर ड्यूरिंग स्पॉनिंग, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिशेस होती हैं जो कि मूव कर सकती हैं फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर टू साल्ट, लेकिन ये भी ब्रीडिंग के दौरान या ब्रीडिंग के लिए। तो ये प्रोलैक्टिन है जो कि इसको स्टिमुलेट करती है टू मूव फ्रॉम साल्ट वाटर टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग पर्पसेस। अब फ्रॉग के अंदर जब ये भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि जब व्हेन फ्रॉग इमर्स्ड इन वाटर, ऐसा वाटर जिसके अंदर मिलेटोनिन हार्मोन है, तो ये लाइट कलर इज एग्जिबिटेड। जब कोई भी फ्रॉग उसको हम मिलेटोनिन कंटेनिंग वाटर में रख देते हैं तो उसके अंदर डार्कनेस इतनी नहीं आती, तो वो लाइट कलर बन जाते हैं, क्योंकि उसकी स्किन के अंदर चेंजेस जो आती हैं क्रोमेटोफोर्स और मेलाटोनिन वगैरह वगैरह। सो व्हेन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज इंजेक्टेड इन इन अ फ्रॉग, तो डार्क कलर इज एग्जिबिटेड। ये बड़ी स्ट्राइकिंग चीज है। तो हार्मोन तो एक ही किस्म के हैं विद वेरी लिटिल वेरिएशन केमिकली दे आर डिफरेंट, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो बड़ा प्रोनाउंस्ड है। और ये है दिस इज द डायग्राम जो शो कर रही है, लाइट कलर्ड एंड देन डार्क कलर्ड। तो दे आर लाइट कलर्ड दैट वाज प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मेलाटोनिन, और जबकि ये डार्क कलर जो फ्रॉग बन गया है ये दैट वाज इंजेक्टेड विद द हार्मोन। सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इन एम्फीबियंस। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मॉड्यूल।